वॉयस जो कि दो तरह से होता है, एक्टिव और पैसिव। हालांकि एक और वॉयस होता है क्वासिव वॉयस, उसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक्टिव और पैसिव जो कि रेगुलर यूज में तुम लोगों का रहता है, जो कि एग्जाम्स में नॉर्मली यही दिया जाता है, हम लोग उसी पर पहले डिस्कस करते हैं। मतलब बेसिक ऑफ ग्रामर जो है ना वॉयस का, बेसिक जो रूल्स है उसको हम लोग पहले सीखेंगे। देखिए वॉयस एक्टिव और पैसिव दो तरह का होता है, ओके। ये टेंस के मुताबिक सीखा जाता है, टेंस का जो रूल होता है उसी के मुताबिक हम लोग सीखेंगे। अच्छा, टेंस को हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन तीनों के केवल तीन फॉर्म में, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इन्हीं तीनों में चेंज करते हैं हम लोग वॉयस को। लेकिन बेसिकली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वॉयस चेंज नहीं होता, उसका कोई एक्चुअली उसका कोई जब हम लोग चेंज करेंगे ना तो उसका अर्थ नहीं बनता है ना। जब वॉयस चेंज करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो उसका रूल्स भी नहीं पढ़ना है, उसका मतलब कोई प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं है। तो टोटल 8 टेंस में ही वॉयस को हम लोगों को सीखना है। कितने? 8, पूरा 8 टेंसेस में हम लोगों को एक्टिव पैसिव सीखना है, ठीक है, ओके। वॉयस को चेंज करने के पहले एक चेंज होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, उसको जरा हम लोग पढ़ेंगे कि आई अगर रहेगा तो जब ऑब्जेक्ट में हम उसको लेकर जाएंगे तो वो बनेगा मी, और मी को फिर अगर सब्जेक्ट में लाना है तो वो बनेगा आई। वी का अस, अस का वी, यू तो यू ही रहता है दोनों जगह, ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट हो दोनों जगह सेम रहता है। ही का हिम, हिम का ही, सी का हर, हर का सी, दे का देम, देम का दे, दाउ, टी एच ओ यू दाउ, मैंने बताया था आप लोगों को यू का सिंगुलर फॉर्म है ये, दाउ का दी, दी का दाउ, और हु का हुम, और हुम का हु। डब्ल्यू एच वर्ड्स में केवल हु एक ऐसा वर्ड है जो एक्टिव पैसिव चेंज हो जाता है, हु अगर रहेगा एक्टिव में तो हम लोग उसको पैसिव में लेके जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में तो उसको हुम में लिखेंगे, और उसी हुम को अगर फिर एक्टिव में लाना रहेगा तो उसको हु में लिखेंगे, ओके। हम लोग टेंस के मुताबिक वॉयस को सीखेंगे एक एक करके। तो पहले, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंपल तीनों का, मतलब कौन कौन तीनों का बताइए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। सभी लोग कॉपी निकालिए अपना, और रूल देख करके आप लोग रूल बताओगे, मैं यहां रूल लिखूंगा टेंस के मुताबिक। सभी लोग अब आप लोग बताओ प्रेजेंट सिंपल में रूल क्या रहता है, बताओ, आप ही लोग बताओ। सब्जेक्ट होता है, वर्ब का पहला फॉर्म जिसके साथ एस या ईएस कभी कभी यूज करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है, राइट, है ना। अच्छा, पास्ट सिंपल में बताइए, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हाँ या ना। अच्छा, फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट होता है, शैल और विल होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एक बात याद रहे, जो टेंस का रूल है वही एक्टिव वॉयस कहलाता है। कौन सा वॉयस कहलाता है? जो टेंस का रूल आप पढ़ते हो ना, आठों टेंस का जो हम लोग पढ़ेंगे, वही उसका टेंस का रूल ही एक्टिव वॉयस कहलाता है। दैट मींस ये कौन सा वॉयस हो गया बताओ, एक्टिव वॉयस। ये कौन सा वॉयस हुआ बताओ, एक्टिव वॉयस। ये हुआ एक्टिव वॉयस। अच्छा, एक बात याद रखोगे, पैसिव वॉयस बनाने के लिए, पैसिव वॉयस बनाने के लिए तीनों का एक सिंपल सा और कॉमन रूल मैं बताता हूं, एकदम कॉमन याद रखना। जब भी पैसिव वॉयस में चेंज करोगे तो एक है कि ये ऑब्जेक्ट को हम लोग सामने लेकर आते हैं, कहां लेकर आते हैं बताइए, सारा ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, और कोई भी टेंस हो, कोई भी
टेंस, जब भी हम लोग उसको पैसिव में बदलेंगे तो याद रखना V3 बाई और सब्जेक्ट, यही पैसिव वॉइस में ये एकदम कॉमन रूल है, V3 बाई और सब्जेक्ट, मतलब हमेशा वर्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा, थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट, ये एकदम कॉमन रूल है पूरे पूरे टेंस के लिए, मतलब ये याद रखिएगा जब भी पैसिव वॉइस बनाना है आपको ये चेंज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट सामने रहेगा, लास्ट में V3 बाई सब्जेक्ट, V3 बाई सब्जेक्ट, सब में चाहे कोई भी टेंस हो ये नियम कॉमन है। तो फिर तीनों में अगर एक लिख दिए हो तो डिफरेंसेस कहां पर है, हेल्पिंग वर्ब्स में, ये प्रेजेंट है ना तो प्रेजेंट में इज एम आर लग जाएगा, क्या लग जाएगा बताओ, इज एम आर लग जाएगा। अच्छा ये पास्ट है तो क्या लग जाएगा बताइए, वाज या वेयर लग जाएगा। अच्छा ये फ्यूचर है, याद रखिएगा जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना अगर पहले से उसको हम लोग उतार देते हैं वो तो सेम टू सेम उतर जाता है, यहाँ क्या उतरेगा बताओ, शैल या विल उतर जाएगा, बस यहाँ बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, शैल बी और विल बी। बोले ये बात याद रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में देता हूं, पहले उसको जरा देखो, जैसे सी कैचेस फिश, सी कैचेस फिश, वह मछलियां चाहे वह मछली पकड़ती है, सब्जेक्ट कौन है यहां पर बताइए, सभी लोग बोलिए सब्जेक्ट कौन, सी, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, कैचेस, सी लगा है इसलिए ईएस टेंस के मुताबिक। अच्छा ऑब्जेक्ट कौन है, फिश, हम लोग इसको पैसिव में बदलेंगे, पैसिव का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट सामने आएगा, मतलब क्या सामने आएगा, फिश, आप ही लोग बोलिए आंसर क्या होगा, फिश। अच्छा इज एम आर में से फिश के साथ क्या होगा, इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच का क्या होगा, कॉट, फिश इज कॉट बाय, सी लास्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, उसमें देखिए मैंने बोला है ना सी को किस में बदलना है, हर में, तो यहां क्या होगा, फिश इज कॉट बाई हर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है, ये हो गया पैसिव वॉइस। एक और एग्जांपल जरा यहां पर दे दूं, जैसे आई सेल ए मोबाइल, मैं एक मोबाइल बेचता हूं, चाहे आई सेल मोबाइल्स भी कह सकते हो, वो भी हो सकता है, बट मैंने यहां ए मोबाइल लिखा। ओके सब्जेक्ट कौन है बताइए, वर्ब कौन है बताइए, और ऑब्जेक्ट कौन है बताइए, ए मोबाइल। अब पैसिव वॉइस के नियम के हिसाब से ऑब्जेक्ट सामने आएगा, मतलब किसको सामने लाइएगा बताइए, ए मोबाइल सामने होगा हाँ या ना, ए मोबाइल, इज एम आर में से इज, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा V3, सेल का सोल्ड बाई, और आई लास्ट में जाएगा क्या बनेगा, मी। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने एग्जाम्पल बताया, रूल्स भी बताया और उसका एग्जाम्पल। आगे बढ़े पास्ट सिंपल में बढ़े हम लोग, तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस में यहां पर देखिए, अच्छा पास्ट सिंपल का नियम क्या है बताइए, तो एक्टिव वॉइस का नियम क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, और फिर से बोलो रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एग्जाम्पल जैसे मिस्टर राय टॉट मी इंग्लिश, मिस्टर राय टॉट मी इंग्लिश, मिस्टर राय ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया, मिस्टर राय मेरे गुरु हैं तो उन्हीं का नाम मैं लिखता हूं बार बार, खैर मिस्टर राय टॉट मी इंग्लिश, मिस्टर राय ने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। अब यहां पर आप बताओ, एक मिनट जरा सबके ध्यान से देखो, सब्जेक्ट कौन, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, टीच टॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा ऑब्जेक्ट कौन है बताइए, ऑब्जेक्ट यहां कौन कौन है, याद रहे यहां दो दो ऑब्जेक्ट है हाँ या ना, दो दो ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट, मैंने नाम दे दिया ठीक है ना, ए और बी, चाहे फर्स्ट और सेकंड। अच्छा अगर दो ऑब्जेक्ट होता है ना
तो किसी एक को सामने लेके बनाया जा सकता है, किसी भी एक को सामने लेके बनाया जा सकता है। मैं आप लोगों के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक बार सामने लेकर के बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मी को, सामने लेकर बनाते हैं सबसे पहले मी को। तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। मी को, ए मी को अगर सामने लाओगे, सब्जेक्ट में लाओगे, तो क्या बनेगा? आई। मतलब यहां पर क्या ऑब्जेक्ट सामने लाना है, मतलब आई होगा, हाँ या ना पहले बताओ। आई। और वाज और वेयर में से वाज, आई वाज। अब भर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट का क्या होगा? टॉट। अच्छा एक बात याद रखना, हमेशा वर्ब के साथ इधर का जो भी अदर वर्ड्स होता है ना, उसको पहले वर्ब के साथ लिखना। किसके साथ लिखोगे? वर्ब के साथ, जो भी अदर वर्ड्स होगा। तो मी को तो तुम सामने ले चुके हो, तो क्या बच रहा है? इंग्लिश। तो किसके साथ लिखाएगा वो? वर्ब के साथ। टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर राय। क्या लिखा मैंने आंसर बताओ? आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर राय। बोले ये समझ में आया? अब आइए अगर इंग्लिश को सामने लाओगे, इंग्लिश, ठीक है ना, ये कैसे होगा तब बताओ। इंग्लिश वॉज, भर का थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है ना, टॉट। और मी, अब इंग्लिश सामने है तो अदर वर्ड क्या है? मी है ना, मी लिखना है। लेकिन कभी भी याद रखना मी ऑब्जेक्ट फॉर्म को, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, दी, होम, इसको वर्ब के साथ जब भी लिखना टू लगा करके लिखना। क्या लिखना? टू। तो बताओ टॉट टू मी बाई मिस्टर राय। बोले ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ ये बताओ। अब आइए फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में जैसे ही विल बाई ए कैमरा फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम द शॉप। ही विल बाई ए कैमरा फ्रॉम द शॉप। जरा समझो तो जरा, यहां सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? ही। शैल और विल में से यहां क्या लगा है? विल। वर्ब का पहला फॉर्म बाई, और ऑब्जेक्ट कौन है? ए कैमरा। ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? एक चीज हमेशा याद रखना, वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड रहता है ना वही ऑब्जेक्ट रहता है। वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड रहेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद तब ये क्या है, फ्रॉम द शॉप क्या है? अदर वर्ड्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? याद रखिए ऑब्जेक्ट के बाद, एक तो हो गया कि वर्ब के बाद जो पहला वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट है, तो बाई ए कैमरा यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, बाई वर्ब है गया, ए कैमरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, अप, अबाउट, बिहाइंड, एमोंग, एमोंग्स, ये सब प्रेपोजिशन के साथ कुछ भी अगर, जैसे यहां पर क्या है, फ्रॉम है, अगर उसके साथ कुछ भी है वही अदर वर्ड्स कहलाता है। क्या कहलाता है बोलिए? वही अदर वर्ड्स कहलाता है। उसको क्या कहेंगे? अदर वर्ड्स। और यहां सब ऑब्जेक्ट कौन है बताइए? कैमरा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वर्ब के तुरंत बाद है। समझ में आ रहा है? तो कैसे पहचानोगे? वर्ब के तुरंत बाद क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन के साथ कुछ भी रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अदर वर्ड्स। ठीक है, अब आइए ऑब्जेक्ट को सामने लाना है, आप ही बताइए क्या होगा। बोलिए ए कैमरा, शैल और विल में से क्या लगेगा? विल। विल बी होगा कि नहीं होगा? शैल और विल के बाद बी होगा, तो विल बी। अब बताइए बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट। विल बी बॉट। हमेशा याद रखना वर्ब के साथ अदर वर्ड को लिखना, हमेशा वर्ब के साथ अदर वर्ड को लिखना। तो यहां अदर वर्ड क्या लिखाएगा बताइए? बॉट, फ्रॉम द शॉप, और लास्ट में ले जाकर के बाई। ही जब लास्ट में जाएगा क्या बनेगा? हिम। बोले ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके एक और एग्जांपल देखिए, जैसे सी विल रीड दिस बुक इन द लाइब्रेरी।
अब आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर बोलिए, बोलिए तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? दिस बुक सामने आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बोलिए? विल बी होगा, हाँ या ना? रीड का रेड, लिखेंगे रीड, पढ़ेंगे रेड, विल बी रेड। अब भर्ब के साथ ही अदर वर्ड को बोला हूं लिखने के लिए, रेड इन द लाइब्रेरी बाय, और सी लास्ट में जाएगा, क्या बनेगा? हर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो मैंने कॉन्टिन्यूअस में क्या बोला है, कौन कौन सा कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है बताइए तो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, है ना? आप लोग कॉपी देखिए और मेरे को रूल बताइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आप ही लोग बताइए, रूल बताइए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा, हाँ या ना? मैंने बोला था ना, टेंस का जो रूल है वही एक्टिव वॉइस है, मैंने बताया था। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस बोलिए वाज या वेयर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और यही एक्टिव वॉइस, हाँ या ना? ठीक है। एक चीज मैंने बताया, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कॉमन है जी बताइए तो? पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सामने आएगा, हाँ या ना? और लास्ट में क्या होगा? वी थ्री बाई और सब्जेक्ट, बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? बोलिए पैसिव वॉइस में, फिर से बोलिए, आप लोग भी बोलिए, ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बोलो, यही ना बोला हूँ? हाँ, ये भी बोला हूँ कि जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब पहले से है वो उतर जाता है, एक्टिव में जो है वही पैसिव में यूज होता है। यहाँ पर क्या है बताइए? तो यहाँ क्या उतरेगा बताइए? इज एम आर ही उतरेगा, और यहाँ क्या उतरेगा बताइए? वाज और वेयर सेम यूज होगा, लेकिन अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, वर्ब के साथ आई एन जी जब रहेगा, याद रखिएगा, प्रेजेंट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में रहता है, वर्ब के साथ आई एन जी, हम लोग उसको तो हटा देते हैं क्योंकि वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेकर चले गए, यहां पर बीइंग वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा बोलो? बीइंग, है ना? बीइंग वर्ड यूज होगा और वर्ब तो थर्ड फॉर्म में चला गया। अब एक एग्जाम्पल जरा यहां देखिए, जैसे समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, यहां पर बताओ सब्जेक्ट कौन? समवन। इज एम आर में से इज, वर्ब के साथ आई एन जी क्या है? नॉकिंग। ऑब्जेक्ट कौन? द डोर। सामने क्या आएगा बताइए? आप ही लोग बताइए, द डोर, द डोर इज होगा, बीइंग होगा, हाँ या ना? और नॉक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? नॉक्ड बाई समवन, है ना? बाई समवन। तो नॉर्मली आप क्या लिखते? द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाई समवन, यही लिखते। मगर एक बात याद रखिएगा, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी कभी भी लिखा रहेगा एक्टिव वॉइस में, हम लोग उसको पैसिव में दोबारा नहीं लिखते हैं। मतलब इसको हम लोग कहां ला करके खत्म करेंगे बोलो? द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाई समवन नहीं लिखा जाएगा, बाई एवरीवन नहीं लिखा जाएगा, बाई एवरीबॉडी नहीं लिखा जाएगा, बाई समबॉडी नहीं लिखेंगे। और भी कुछ अंडरस्टूड वाली बातें हैं, जैसे जजमेंट कौन सुनाता है? जज। वहां पर भी हम लोग पैसिव वॉइस में बाई द जज नहीं लिखेंगे। क्रिमिनल्स को अरेस्ट कौन करता है? पुलिस। तो वहां पर भी बाई द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता कौन है? वहां पर भी बाई द टीचर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? तो ऑपरेशन कौन करता है या रोगी को कौन ट्रीटमेंट देता है? वहां पर भी बाई द डॉक्टर लिखने की, ये अंडरस्टूड वाली बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल या जैसे यहां पर दूं, जैसे द डॉक्टर इज ऑपरेटिंग
द पेशेंट इन ओटी, ओटी समझते हैं आप लोग, ओटी माने ऑपरेशन थिएटर। हाँ अब बताइए यहां सब्जेक्ट कौन है, द डॉक्टर, इज एम आर में से इज, वर्ब क्या है ऑपरेटिंग, ऑब्जेक्ट कौन है द पेशेंट, तो इन ओटी क्या है अदर वर्ड बताए थे हम आपको। हाँ तो सामने क्या आएगा बताइए, द पेशेंट, अब बताइए इज एम आर में से क्या लगेगा, इज बीइंग होगा हाँ या ना, इज बीइंग, ऑपरेट का थर्ड फॉर्म बोलो ऑपरेटेड। अब हम आपको याद है बताए थे कि वर्ब के साथ ही अदर वर्ड को लिखते हैं, तो ऑपरेटेड इन ओटी, बोले ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है। अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसे ही वॉज कॉलिंग यू, ही वॉज कॉलिंग यू फ्रॉम द क्लास, वह तुमको क्लास से बुला रहा था। एक बात बताओ सब्जेक्ट कौन, वाज और वेयर में से, वर्ब के साथ क्या लिखा हुआ है कॉलिंग, ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर यू, ये क्या है फ्रॉम द क्लास, अदर वर्ड्स है अभी अभी बताए, ऑब्जेक्ट सामने आएगा मतलब क्या सामने आएगा बोलिए, आप ही बनाइए इसको, बनाइए आप लोग, यू, यू के साथ वाज लगेगा ना, बोलो यू वेयर, बोलो बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या होगा कॉल्ड, फ्रॉम द क्लास बाई, और ही उधर जाएगा क्या बनेगा हिम, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे वी वेयर सर्चिंग द बैग, हम लोग बैग को खोज रहे थे। अब बताओ सामने क्या आएगा बताइए, सब लोग देखिए द बैग सामने आएगा, आप लोग आंसर बोलिए इसके मुताबिक, बोलिए द बैग वॉज बीइंग सर्च्ड होगा ना बाई, और वी लास्ट में जाएगा क्या बनेगा अस, बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो तीनों के परफेक्ट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, परफेक्ट मतलब कौन कौन बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के परफेक्ट को देखो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ओके फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है तीनों के परफेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ही लोग बताओ रूल्स क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, और ये कौन सा वॉयस कहलाएगा एक्टिव वॉयस। अच्छा पास्ट परफेक्ट में बोलिए सब्जेक्ट प्लस, पास्ट परफेक्ट में फिर से बोलो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और यही एक्टिव वॉयस कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में आप ही लोग बताइए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 वर्ब रहेगा ना प्लस ऑब्जेक्ट, और कौन सा वॉयस है ये एक्टिव वॉयस, हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे पैसिव वॉयस में चेंज करेंगे, वेरी गुड। अब पैसिव वॉयस में आप ही लोग बताइए कॉमन रूल क्या है, ऑब्जेक्ट सब में सामने आएगा, लास्ट में V3 बाई सब्जेक्ट, सब में बोले है ना ऑब्जेक्ट सामने आएगा V3 बाई और सब्जेक्ट, सब में ऑब्जेक्ट सामने आएगा और लास्ट में V3 बाई और सब्जेक्ट। और मैंने एक चीज और बोला था, क्या बोला था बताओ, जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को उतारेंगे, यहाँ क्या है बताइए हैज या हैव, यहाँ क्या है बताइए हैड, यहाँ क्या है बताइए शैल या विल प्लस हैव। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हैज हैव और हैड क्या क्या रहेगा बोलो, तो हैज हैव हैड एक्टिव में है, पैसिव बनाते वक्त उसके साथ हम लोग बिन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बिन, ठीक है क्या लगा देते हैं बोलो बिन, BEEN, ठीक है ना, जैसे यहां पर हैज हैव है तो बिन, हैड है तो बिन, यहां शैल और विल हैव है तो यहां भी बिन, याद रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, अब मैं यहां एग्जाम्पल दूंगा आप ही लोग सॉल्व कीजिए, जैसे रवि हैज ब्रोकन दिस
broken this glass. रवि ने इस ग्लास को तोड़ा है. अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा. आप ही लोग बोलिए सामने क्या आएगा बोलो. This glass has been broken होगा हाँ या ना. verb का थर्ड फॉर्म broken by रवि. लास्ट में तो रवि ही रहेंगे ना. रवि को कभी नहीं बनाना. रवि रवि ही रहेगा. अच्छा एक और एग्जाम्पल देखिए. जैसे he has changed the voice. He has changed the voice. आप बताइए क्या बनाइएगा इसको. सामने क्या आएगा. The voice has been changed by. और he लास्ट में जाएगा क्या बनेगा. Him. बोलो क्लियर है. एक और एग्जाम्पल देखिए यहां पास्ट में. यू हैड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. यू हैड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. बताओ तो यहां सब्जेक्ट कौन. हेल्पिंग वर्ब क्या है. वर्ब क्या है. और ऑब्जेक्ट कौन है बोलो. सामने क्या आएगा. बनाओ इसको तुम ही लोग बनाओ. इंफॉर्मेशन होगा हाँ या ना. इंफॉर्मेशन. हैड बीन होगा कि नहीं होगा. हैड बीन. वर्ब का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय. और यू तो यू ही रहेगा. क्या लिखा आपने बताइए. इंफॉर्मेशन हैड बीन कलेक्टेड बाय यू. एक और एग्जांपल देखिए लास्ट. आई शैल हैव रिटर्न्ड योर बुक. मैंने तुम्हारा किताब रिटर्न किया है. सब्जेक्ट कौन है बोलिए. शैल हैव लगा हुआ है यहाँ पर. वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है. रिटर्न. और ऑब्जेक्ट कौन है बोलिए. योर बुक. सुनिए सामने क्या आएगा बोलिए. योर बुक बोलो. विल हैव बीन. अब ये विल क्यों लगा. देखो आई के साथ शैल लगता है. यहां तो सब्जेक्ट कौन है. योर बुक. योर बुक विल हैव बीन. अब बताओ रिटर्न का क्या होगा. रिटर्न्ड बाई. और आई लास्ट में जाएगा क्या बनेगा. मी. बोलो ये समझ में आया. अब सुनो. अब जो हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं ये टेंस से नहीं है. ये टेंस से रिलेटेड नहीं है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से है. कौन सा. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब इसमें क्या क्या आता है देखो. कैन कूड मे माइट वुड शुड ऑट टू मस्ट है ना. ये सब अगर दिया रहेगा तब आप कैसे बनाओगे एक्टिव वॉइस में. एग्जाम्पल पहले दे देता हूं. जैसे सी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड. सी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड. ए सब्जेक्ट कौन है बताइए. यहां से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया गया है. कैन. वर्ब का पहला फॉर्म. और ऑब्जेक्ट कौन है. एक और एग्जाम्पल देखिए. जैसे यू मस्ट हेल्प द पुअर. यू मस्ट हेल्प द पुअर. ए सब्जेक्ट कौन. यहां से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज किया गया है. मस्ट. और वर्ब का पहला फॉर्म. और ऑब्जेक्ट कौन है. समझ में आ रहा है. तो ये कैन कूड मे माइट ये सब कुछ भी अगर यूज किया हुआ है एक्टिव वॉइस में. सब्जेक्ट सामने ये यूज किया है. वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस कहलाएगा. पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने एक रूल कॉमन बताया था आप लोगों को. क्या करना होगा बताइए. पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ आता है. सामने आता है. याद है मैं बोला था एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वही पैसिव में. माने क्या ये जो एक्टिव में है वही पैसिव में भी कॉमन रहेगा. ओके और हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म बोले थे. बाई बोले थे. सब्जेक्ट बोले थे कि नहीं बोले थे बताओ. ऑब्जेक्ट भी थ्री बाई सब्जेक्ट सब में बोले थे. हाँ इसमें क्या होता है खाली बी लग जाता है. यहां पर क्या लग जाता है. अब बताइए सी कैन ब्रेक द रिकॉर्ड क्या सामने आएगा बोलो. ऑब्जेक्ट सामने मतलब द रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन बाई. सी लास्ट में जाएगा क्या बनेगा. क्या लिखा आपने बताइए. आंसर बोलिए. द रिकॉर्ड कैन बी ब्रोकन बाई हर.
ये वाला बनाइए आप लोग, बोलिए सामने क्या आएगा। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाई, और यू लास्ट में जाएगा, क्या बनेगा यू। बोलो समझ में आया। अब देखो लास्ट एक और वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। कितने तरह का होता है? अफर्मेटिव नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव में रूल्स क्या होता है? वर्ब का पहला फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव में डोंट और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसमें सब्जेक्ट नो यूज, सब्जेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं होता, इसमें वर्ब से शुरू होता है। तो हम लोग एक्टिव वॉइस में तब ये रूल है, पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो लेट सामने लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को सामने लेंगे बी, अब वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव में डोंट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है, याद रखना, लेट सामने लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बताओ? ऑब्जेक्ट नॉट बी, और तब जाकर के वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी हिसाब से अगर इसको हम लोग चेंज करें तो बताइए, जैसे चेंज द वॉइस, चेंज वर्ब का पहला फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्या है बताओ? द वॉइस। हम लोग इसको अगर बदलेंगे पैसिव में तो क्या सामने आएगा बोलो? लेट, और ऑब्जेक्ट को सामने लाओ, द वॉइस बी बी, है ना, लेट द वॉइस बी। और चेंज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? चेंज, लेट द वॉइस बी चेंज। नेगेटिव में लेट सामने आएगा तो लेट, ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो मतलब द वॉइस नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चेंज का चेंज, चेंज्ड, है ना, लेट द वॉइस नॉट बी चेंज। फिर देखिए, डू इट नाउ, उस हिसाब से बनाइए इसको, बोलिए लेट इट बी डन नाउ। नाउ हमेशा लास्ट में, क्या लिखा आपने बताइए? लेट इट बी डन नाउ। नेगेटिव में क्या होगा बोलो? लेट, ऑब्जेक्ट सामने यानी कि इट सामने, नॉट बी डन नाउ, लेट इट नॉट बी डन नाउ। अब बताइए पोस्ट दिस लेटर क्या बनाइएगा बोलो? लेट, ऑब्जेक्ट सामने दिस, लेटर, और बी रहेगा, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेगेटिव में इस हिसाब से बताइए, लेट दिस लेटर नॉट बी पोस्टेड। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब लेट ऑब्जेक्ट बी भीतरी, नेगेटिव में लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी भीतरी। इस तरह से हम लोगों ने वॉइस के फॉर्म को, हम लोगों ने जो बेसिक रूल होता है वो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ।